आ गए। देखो कुछ तो बात है मेरे अंदर जो तुम मेरी सारी वीडियो देखने आ जाते हो। हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है। बट यार देखो जोक्स अपार्ट, मेरे को सीरियसली तुम लोगों को थैंक यू बोलना है कि यार तुम लोग मेरी सारी वीडियोस देखते हो एंड कमेंट करते हो। आई लव यू यार। मेरा दिल थोड़ा सा अजीब है बट ये लो लव यू। मेरे बस में होता मैं तुम सबसे शादी कर लेता यार, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी हम सब ऐसा 40 लाख लोग फेरे ले रहे होते आगे मैं पीछे, तुम सबसे ऐसा वो भांति नहीं है दुपट्टा जो होता है या फिर पल्लू आई गेस। बट लेकिन देखो आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक ये है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर डोरेमोन के कैरेक्टर्स रियल लाइफ में होते तो कैसे दिखते। आई नो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम ये सब बकवास चीजें सोचो, बट मेरे पास है। एंड जब मैं ये सोच ही रहा था मेरे को एक वीडियो दिखी, डोरेमोन कैरेक्टर्स इन रियल लाइफ भाई, और इस पे 2.9 मिलियन व्यूज भी है, तो ऑब्वियसली शायद मेरे जैसे काफी सारे लोग हैं रियल टाइम पास करने वाले, तो हां इसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके सो फर्स्ट है डोरेमोन, लेट्स सी डोरेमोन कैसा दिखेगा रियल लाइफ में होता तो। ओह ये काफी हद तक ऐसा नॉन रियल ही लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली डोरेमोन रियल लाइफ में भी ऐसा रोबोट है ना यार, वो ऑब्वियसली ऐसा ही दिखेगा। हां प्यारा है, लाइक क्यूटी सा एकदम सेक्सी। ओके ओके नोबिता, ओ भाई ये कितना रियल लग रहा है। आई गेस डोरेमोन जैपनीज है ना, तो सारे कैरेक्टर ऐसा जैपनीज ही दिखेंगे, बट ये यार काफी हद तक रियल लग रहा है। नहीं नहीं ओके नेक्स्ट बारी है नोबिता की मम्मी की। ओ भाई नोबिता की मम्मी कितनी प्यारी लग रही है, बट आई गेस एज में थोड़ी सी ज्यादा लग रही, नहीं तो आई एम रेडी। तुम लोग मेरे को कितना नीच समझ रहे हो यार, हर किसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ मैं। नहीं नहीं यारो मैं ऐसा हूँ नहीं, भरोसा करो मेरा। ओके अगली बारी है नोबिता के पापा की। ओ भाई नोबिता के पापा क्या स्टड लग रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है एकदम आर्मी रिटायर्ड, एकदम जनरल चीफ ऐसा कुछ। बाल बाल देखो क्या सही सेट हो रखे हैं। नहीं यार ये तो थोड़ा अनरियल है, जैसे देखो नोबिता के पापा कुछ ऐसे दिखते हैं कार्टून में, एंड इसमें अगर तुम देखोगे ये ऐसा काफी फिट लग रहे हैं। मैं इसे रियल नहीं मान सकता, प्लीज थोड़ा मोटा इंसान लेके आओ ऐसा कुछ। ओके अगली बारी है डेकिसुगी की। डेकिसुगी कैसा दिखता है, ओ भाई व्हाट आर यू सीरियस, कितना स्मार्ट और ऐसा डैशिंग लग रहा है यार। सिजुका क्यों नहीं पटेगी भाई इससे। तुम देखो एक बारी भाई, मेरी क्लास में कोई ऐसा लड़का होता मैं क्लास छोड़ के बच जाता, दूसरी क्लास में नई सिजुका ढूंढता। नेक्स्ट वन है सुनियो। ओ ये तो बदसूरत है भाई। सुनियो मेरे को स्टार्टिंग से नहीं पसंद था, यहाँ पे भी नहीं पसंद आया, तो पैसा है भाई उसके पास। अगर मैं सुजुका होता मैं शादी करता सुनियो से, फिर ऐसा गाना गाता मोटी चैन मोटा पैसा, पैसा नहीं कहूंगा कॉपीराइट आ जाएगा। तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया, बस इसकी तूत खराब है बस, बाकी सब मस्त है। नेक्स्ट वन जियान सुजुका। ओ व्हाट सिजुका इतनी प्यारी क्यों नहीं लग रही है मुझे, पर क्यूट है क्यूट है, आई गेस छोटे पे लोग क्यूट होते हैं, तो सिजुका यहाँ पे क्यूट है आई गेस, बड़ी होके सिजुका ऐसा सेक्सी हॉट एकदम हो जाएगी। क्या क्या बोला तूने, ये बच्चों को क्या क्या बता रहा हूँ मैं। मेरे को भी बचपन में सिजुका से शादी करनी थी, बड़ा होके पता लगा कि सिजुका तो है ही नहीं। हम पे तो आई नो। ओके अभी अपन लोग नोबिता की ग्रैंड माँ देखेंगे। व्हाट भाई वेट, ये क्या किया इन लोगों ने, सिजुका की ग्रैंड माँ के बाल हैं इधर, ये पीछे छोटी बोटी बदी होगी ऐसा लग रहा है इसमें। नहीं इसमें तो छोटे ही कर दिए हैं बिल्कुल, ये देख रहे हो मेरे से भी छोटे, मेरे तब भी इतने इतने हैं, ये तो भाई प्रिंसिपल जैसी लग रही है भाई, लग रही है। ओके रिस्पेक्ट का है नवीन। नेक्स्ट कौन है पीच। ओ भाई व्हाट, ये इतने ज्यादा तेवर वाले टीचर भाई, इसमें कितने स्मार्ट लग रहे हैं रियल लाइफ में, कार्टून में देखो तुम ऐसा ही लग रहा कोई बोंदू सा इंसान मोटा सा एकदम बस टीचर बना दिया है, ये तो ऐसा लग रहा है जिम ट्रेनर है, एक चैप्टर याद करने के साथ दो दो सेट मारने डंबल से। तो बाल सेम है, बाल सेम मेरे को थोड़ा सेम सेम लग रहे हैं। जिया ओ व्हाट जियान, माना कि भाई तू अच्छा गाता नहीं है पर प्लीज रियल लाइफ में थोड़ा अच्छा बन लेता। पर हाँ देखो काफी हद तक सिमिलर ही, देखो जियान के यहाँ पे ऐसे बाल हैं, इसके भी ऐसे ही बाल गिर रहे हैं, इसका भी मुंह मोटा है, इसका भी मोटा है, हाँ मतलब ऐसा ही दिखेगा रियल लाइफ में होगा तो, पर मेरे को पसंद नहीं आया। आतू मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया आतू। ओके जायको, ओ जायको बड़ी प्यारी लग रही है यार, पता नहीं है जायको को नोबिता हेट क्यों करता था, मेरे को सही लगती थी भाई। बस एक ही दिक्कत थी वो जियान की बहन थी, तो भाई पूरे दिन वो ऐसा पकाता रहता, बट तुम सोचो अगर नोबिता की शादी जायको से होती तो जियान उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता और फिर वो उसको कोई परेशान नहीं करता भाई, नाइस। ये तो सिर्फ मैं ही सोच सकता हूँ। तकेशी जियान की मम्मी, वैसे दिखने में जियान की मम्मी लग रही है, बट ऐसा कपड़े वपड़े जो पहने हुए हैं वैसे थोड़ा अमीरी सुनियो की मम्मी ऐसी लग रही है। ओके अगला कौन है, मीचैन। मीचैन तो ऑब्वियसली मीचैन
सेम निजन को खूबसूरत भी कैसे बोलूं मैं वो तो बिल्ली है, डोरेमी वही डोरेमोन जैसी है, रियल लाइफ में ऐसी होगी यार। मिस्टर होने ओ सुनी होगी मम्मी, भाई ये काफी हद तक सिमिलर है यार, मेरे को तो आवाज भी याद आ गई सुनियो की मम्मी की। हाँ हमारा घर तो 2 करोड़ का है, सुनियो के पापा ने 2 साल पहले ही खरीदा था। कुछ ऐसी आवाज होती थी। अगला कौन है? सेवाशी। ओ ये है भाई क्यूट, क्यूटेस्ट एवर आई गेस, ये भी रीजन होता है सबसे छोटा है इसीलिए, बट हाँ क्यूटेस्ट क्यूटेस्ट। क्यों और कौन है? ओ ये वो अंकल जिनके यहाँ पे बॉल चली जाती थी। भाई ये तो पूरे ही सेम लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनसे इंस्पायर्ड होके बना है। भाई देखो बाल देखो वैसा ही कट, चश्मा और ये मूंछें वैसी। भाई इन अंकल का कार्टून में इतना खौफ था, मेरे को रियल लाइफ में डर लगता था इनसे। इनके पेड़ पौधे टूटते देख के मेरे को डर लग जाता था। बड़ा हम सब के ऐसा घरों के आसपास कोई ना कोई एक अंकल तो होते हैं जिनके घर में अगर बॉल जाती है नहीं मिलती। भाई ये डोरेमोन कार्टून के वही अंकल थे। ओके हमने डोरेमोन के वो देख लिए, अभी बारी है शिनचैन के देखने की। ओ शिनचैन प्यारा लग रहा है भाई, नाइस शिनचैन। मैंने ऐसा बचपन में इतना ज्यादा देखा नहीं है, बट भाई शिनचैन और डोरेमोन मेरे सबसे मोस्ट फेवरेट कार्टून थे। ओके मिसाई, ओ शिनचैन की मम्मी। भाई शिनचैन की मम्मी भी अच्छी लग रही है, बट मेरे को वो देखनी है वो जो शिनचैन की ऐसा आंटी थी, कौन थी, दीदी थी, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। ईमावारी, ओ भाई व्हाट, अबे कितना प्यारा चाहिए भाई इसको, प्लीज मुझे रियल लाइफ में निकाल के दे दो, मैं दिन भर इसे खिला सकता हूँ। इतनी बड़ी स्माइल देख रहे हो मेरे चेहरे में, ये रियल है, ये बढ़िया, सबसे अभी तक की सबसे क्यूटेस्ट। शिवाशी में वो सबसे क्यूट लगा था, उससे पहले ही आ चुकी है अभी। ओके हिरोशी, हिरोशी ओ हिरोशी, ओके सेम ही है, मैं इस पे क्या बोलूं यार। ओके प्रिंसिपल सर, ओ भाई ये प्रिंसिपल सर मेरे को वैसे से लगते हैं, वो गाना नहीं है पेन पाइन एप्पल पेन, इसमें ये देखो ऐसे लगते हैं मेरे को ये प्रिंसिपल सर। ओके मुसाई, मुसाई कौन थी? भाई मेरे को लग रहा है बहुत सारे कैरेक्टर भूल गया हूँ मैं, क्यूट है काफी ज्यादा, ये तो रियल है भाई, ये तो होगी लड़की एक्चुअल। अगला कौन है? मसाओ, ओ भाई पर इधर ऐसा ही लग रहा है इसकी एज काफी ज्यादा है, इधर तो लग रहा है बच्चा, इधर बच्चा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है 30 साल के अंकल का फेस ऐसा किसी बच्चे की बॉडी पे लगा दिया है। ओके अगला कौन है? मनाको, ओ ये थी ना सबसे सुंदर लड़की, इस पे शिनचैन मरता था। ओके ये है आईचैन, ओ भाई मेरे को याद आ गया, ये बहुत अमीर थी ना, इसके बाद ये खुद का बॉडीगार्ड था, तुम सोचो। एंड ये अगर रियल लाइफ में होगी तो कुछ ऐसी दिखेगी, लाइक लग रहा है सेम प्रॉपर ऐसे वही कपड़े पहने हुए। ओके शीरो, ओ भाई लाइक ऐसा डॉगी होता है क्या, बिल्कुल वाइट वाइट, मेरे को नहीं पता था भाई, ये तो मेरे को सॉफ्ट टॉय सा लग रहा है कुछ, नहीं क्या पता भाई रियल होता हो। ओके नेक्स्ट नैनी, ओ पर यहाँ पे तो वो ठीक है, यहाँ पे अगर नैनी के बाल हटा दो तो ये लड़का नहीं लगेगी। देखो मैं इसके बाल हटा दिए, ये लड़का नहीं लग रहा है, अब देखो तुम जो बोल रहा था वैसा यहाँ वो बोचैन, ओ इधर इसकी नाक भी निकल रही है, ओ व्हाट सेम सेम भाई। Obviously, वो सेम ही है, इसीलिए ये नहीं सोचा था मैंने कि ये इतना सेम कर देंगे। ओके सॉरी मेरे को एक और वीडियो मिली है, इलॉजिकल मिस्टेक्स दैट 99% मिस्ड। भाई लेट्स सी इसमें क्या है, कार्टून में जो गलतियां हुई है वो बताया गई है। नंबर 1 डोरेमोन, हीरो डोरेमोन के आप जरा इस सीन को देखो, जहाँ जब नोबिता स्कूल से भाग कर आता है तो ग्राउंड में जियान एंड सुनियो के साथ 3 बच्चे होते हैं। अब जब नोबिता इनकी गेम बिगाड़ कर भागता है तो जब सुनियो को भेजकर जियान इन सबसे बात करता है तो गाइस इनकी संख्या 3 से 4 हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पीले कपड़ों वाला बच्चा हरा टोपी भी पहन लेता है, एंड वहीं ये लंबे बच्चे की लाल टोपी भी गायब हो जाती है। देखो ये वाला बच्चा है ये क्या, इसने टोपी चेंज कर ली, व्हाट, और जो ये वाला है वो ये खड़ा है शायद, बट इसके कपड़े अलग हैं, पर ये और ये छोटा बच्चा एक्स्ट्रा है। डोरेमोन प्लीज टीच मी हाउ टू प्ले गिटार, इट्स सो इजी नोबिता, यू रियलाइज टू लेट। वैसे भाई अगर डोरेमोन की हाथों की लॉजिक की इलॉजिकल बातें की जाना तो उसमें तो पूरा दिन ही बीत जाएगा। कोई बात नहीं भाई, उसके हाथों के नहीं तो पैरों की ही बात कर लो। अब इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला भाई, वैसे यार हमारे बचपन की यादों को और भी ज्यादा रंगीन बना देने वाले एनिमे ऐसे भी कई सारी मिस्टेक
रिएक्शन जिसे कोई बच्चा भी पकड़ ले। अब जैसे कि एक तरफ तो ये नोबिता को 0 मार्क्स मिले हैं, पर वहीं दूसरी ओर इसका ये आंसर बिल्कुल सही है। बेचारा नोबिता भी लाइक वेट सही था क्या? 2 + 2 = 5 ओ भाई व्हाट? पर देखो नोबिता को पता भी नहीं होगा कि ये सही है, तो उसे सही भी नहीं करा पाया। डोरेमोन कुछ करो यार, क्या तुम टॉयलेट साफ करने वाले ब्रश से अपने दांत चमकाते रहते हो? वैसे भाई वो ये भी डाउट है यार, डोरेमोन रोबोट उसके दांत क्यों आया है? वही ना, ऐसे सुजुका और सुनियो को शौक लगता है, उनकी एक्सरे इमेज दिखने लगती है और उसमें सुजुका के बालों तक के भी बोन्स दिखने लगते हैं। और भाई ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ जब आंटी जी इस नमूने को 3 ऑरेंजेस देती हैं, तो फिर अगले सीन में वो सारी ऑरेंजेस गायब हो जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब नोबिता की मम्मी ऑरेंजेस देकर उसे ये कहती हैं, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। ऑरेंजेस तो खरीदे जाते हैं ना। ऐसे ही जब ये आंटी जी घर में घुसी थी तब उनके हाथों में बैग था, लेकिन फिर पूरे ही एपिसोड में हमें ये बैग नहीं देखने के लिए मिलता है। बट वेट, ये घर से भागते हुए ये बैग वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। मे बी शायद आंटी जी से चप्पलों के साथ बाहर ही छोड़ दी होंगी। अब भाई डोरेमोन के एक एपिसोड में डोरेमी केटल के फ्लावर के पेटल्स व्हाइट थे, और जैसे ही अगला सीन आता है तो ये पेटल्स रेड हो जाते हैं और सेंटर वाला हिस्सा व्हाइट। ओ भाई कितनी सारी गलतियां यार, बचपन में नोटिस ही नहीं करी ये सारी। ऐसे यार अगर देखा जाए तो सिंचन के पास लॉजिक होना ये खुद में एक इलॉजिकल बात हो जाएगी, पर भाई क्या ही करें, कभी कभी ऐसे इलॉजिकल मिस्टेक्स हमारे सिंचन के मेकर्स भी कर देते हैं। जैसे कि टीचर्स रूम के इस सीन को ही देख लो, जिसमें पहले के सीन में तो मात्सुजाका मैम के पास रखी पिंक बुक के बाद रेडिश ब्राउन बुक रखी होती है, एंड इन मैम के आगे रंग बिरंगी बुक्स रखी होती हैं, पर जस्ट अगले ही सीन में ये रेडिश ब्राउन बुक गायब हो जाती है एंड ये रंग बिरंगे बुक्स लगभग सारे ब्लूइश कलर में बदल जाते हैं। भविष्य में जब अपना सिंचन मिक्सर को लिक करता है तो इस पर पूरा ही क्रीम लगा होता है, पर जब सिर्फ एक बार लिक करके अगला सीन आता है तो वो मिक्सर बिल्कुल साफ हो जाता है। आई गेस उसने चार बजे साफ कर लिया होगा शायद। देखो मैं डोरेमोन नोबिता मजे के लिए देखा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन गलतियों से। सिमिलरली सिंचन की नेबर जब चीनी मांगने आती है तब उनके सर पर लगे बैंडेज सर घुमाने के साथ लेफ्ट टू राइट हो जाते हैं। और यार ये सिर्फ एक या फिर दो सीन में नहीं बल्कि पूरे ही एपिसोड्स में ऐसा ही होता है कि बस सर घुमाते ही बैंडेज इधर से उधर हो जाता है। भाई आप में से कोई बोल सकता है कि मैं भी उनके दोनों ही साइड में टेप लगा होगा, पर भाई जरा तुम्हें बताओ कि आज तक सिमेट्रिकली दोनों ही साइड में किसको ही चोट लगी है? बात तो सही है भाई, ये सबसे बड़ी गलती है भाई। तो अवर नेक्स्ट मिस्टेक, जिसमें एक तरफ मसाओ ने शूज पहने हैं वो भी सिंचन वाले, वहीं दूसरी ओर ये सिंचन को शूज ही पहनाना भूल गए। बाहर में सिंचन सिर्फ सॉक्स में घूम रहा है। भाई क्या बोला, उसके वाइट जूते हो है हो सकता है। देखो भाई ऑगी द कॉकरोचेस एक ऐसा कार्टून है जिसे हर इंडियन बच्चा बिल्कुल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ही तरह एंजॉय करता है। इस कार्टून में तो काफी सारे इलॉजिकल चीजें हैं, जैसे कि इस छोटे से घर में सबसे बड़ी स्टेयर, सिर्फ एक आइटम्स के लिए बड़े बड़े से रूम्स एंड सो ऑन सो ऑन। बट ये मिस्टेक कुछ नया है, जहाँ जब भाई ऑगी का घर मैं बता रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा घर है भाई। इतनी बड़ी लाइब्रेरी देखी थी मैंने एक एपिसोड में, लाइक तुम सोचो वो बहुत ऊंची है, उसका घर एक मंजिल है बस, 2 मंजिल मैक्स टू मैक्स। और जब वो कॉकरोचेस के पीछे भागता है भाई, उसका घर भूल भुलैया है, इधर से उधर उधर से उधर, कितना बड़ा घर है भाई। ओके तो आई गेस इसी के साथ आज की वीडियो के लिए काफी ज्यादा हो गया, हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को रियल लाइफ में देख लिया, डोरेमोन और शिनचैन के कार्टून्स के एपिसोड। भाई ओवरऑल मेरे को मजा आया भाई, मेरे को सीरियसली डोरेमोन शिनचैन ये वाले जो भी वीडियो होते हैं मेरे को बनाने में काफी मजा आता है, क्योंकि मेरा बचपन यार उनसे जुड़ा हुआ है एंड पूरे टाइम चेहरे पे स्माइल रहती है। तो हाँ, अगर तुम्हें भी डोरेमोन शिनचैन वाली वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और मैं तुम्हें मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय।